आपकी आर्थिक और इकोनॉमिक पकड़ भी बहुत अच्छी है, आपने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया। मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड, जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी पिछले कुछ महीनों से, सरकार इकोनॉमी की बात कर रही थी, डेवलपमेंट की बात कर रही थी, जो चीजें अभी आपने बताई इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी, पहले चरण के बाद ये देखा गया कि थोड़ा ये तुष्टिकरण की ओर मुड़ा, थोड़ा हिंदू मुसलमान हुआ। आप लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अटैक किया और कहा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक रैली में कहा कि जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में नक्सल, अर्बन नक्सल की महक है, इसमें माओइस्ट वो ख्याल दिखाई देता है, तो ये कहां से आया? देखिए, हमारा दायित्व तो है कि हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी मंशाओं को हम उजागर करें। जी, आप मुझे बताइए, इस जमाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्सनल लॉस की बात कर सकती है क्या? क्या देश सरिया के आधार पर चलेगा? एक और, हम हमारे घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कांग्रेस कह रही है हम पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग की छाप है? बिल्कुल मुस्लिम लीग की छाप, यही तर्क है कि मुस्लिम लीग की छाप। आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि देश के कॉन्ट्रैक्ट माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट लोएस्ट कौन है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, काम करने की क्षमता है या नहीं है, इसके आधार पर निर्धारित होंगे या कॉन्ट्रैक्टर के धर्म के आधार पर निर्धारित? किस तरह से देश चलाना चाहते, देश की जनता को इसको सोचना पड़ेगा। बहुत समय के बाद देश तुष्टिकरण की राजनीति से नरेंद्र मोदी जी बाहर निकाल कर रहा है, ये फिर से उसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जीतने का आत्मविश्वास गंवा चुकी है।